नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदवॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं क्राम। ये जो वीडियो की झलक आपने शुरू में देखी, ये एक हेलीकॉप्टर उतर रहा है और नीचे से अचानक कहीं से गाय आ जाती है और फिर उसके बाद हड़कंप मच जाता है। और हड़कंप भी ऐसा कि सबके हाथ पांव फूल गए। जितने सुरक्षा कर्मी थे, जितने पुलिस वाले थे, सब सोचने लगे आखिर ये हुआ क्या, क्योंकि एक बहुत बड़ी चूक हो गई थी। क्योंकि हेलीकॉप्टर किसी ऐसे वैसे शख्स का नहीं था, हेलीकॉप्टर था योगी आदित्यनाथ का, या जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं। तो कहाँ ये घटना हुई वो आपको बताऊंगा, लेकिन उस पर जाने से पहले मेरी आपसे छोटी सी अपील है कि अगर अभी तक आपने हिंद वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। देखिए, वैसे तो कोई खबर बड़ी नहीं है, लेकिन क्या कि बड़े लोगों से जुड़ी है और योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है, तो कोई भी चीज़ हो उनसे जुड़ी हुई तो बड़ी तो बनी जाती है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में कोरोना का बेहाल है। आपको पता ही है, गंगा के किनारे तकरीबन कोई भी किनारा हो, कोई भी घाट हो, आपको लाशों के कब्रिस्तान दिखाई देंगे जो बिल्कुल नए बने हैं, और रेत के टीलों में तमाम लाशें ही लाशें हैं। और एक चीज़ खास देखने को आपके मिलेगी, सबके ऊपर ज़्यादातर भगवा कपड़ा है, क्योंकि लोगों को सफ़ेद कफन शायद नसीब नहीं हो रहा है इस वजह से। और एक पहचान भी हो रही है कि ये जो है, ये हिंदू कम्युनिटी वालों की जो मुर्दे हैं उनको दफनाया गया है। खैर, सरकार इस चीज़ को मानने से रही है। उधर दूसरी तरफ जब कोरोना टाइम में बीजेपी की शाख बहुत ज़्यादा नीचे गिर रही है, ऐसे में बीजेपी सरकार अब मंथन करने पर जुड़ गई है कि कैसे इस चीज़ को हम दोबारा से पब्लिक में अपनी पहचान बना पाए, अपनी छवि जो ख़राब हो रही है बार बार उसको लेकर RSS, प्रधानमंत्री खुद और बड़े बीजेपी के आला नेता सब मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे में CM योगी का लगातार उन जगह पर दौरा भी जारी है। तो एक दौरा आज भी था जो गोंडा और आजमगढ़ में था, लेकिन आजमगढ़ में आज ये हुआ कि 2 बजे जब आजमगढ़ पुलिस लाइन पर हेलीकॉप्टर उतरना था, तभी वहाँ पर उसके उतरने से पहले जैसे ही धूल चली, क्योंकि धूल मिट्टी उड़ती है जब हेलीकॉप्टर आता है उसकी पंखड़ियों से, तो अचानक कहीं से गायें घुस गई बीच में। और जब गायें घुस गई तो सबके होश उड़ गए कि ये क्या हुआ, अचानक इतनी भारी चूक सुरक्षा में कैसे हो गई। गाय किसी तरह धूल में घुसती, उससे पहले पुलिसकर्मी भी धूल में घुस गए, दिखाई उन्हें कुछ दे नहीं रहा था, लेकिन बावजूद उसके फिर भी बेचारों ने जैसे तैसे गाय को रोका, उसे बाहर ले जाया गए, और बाहर ले जाने के बाद उसको फिर से अंदर आने नहीं दिया। और तब तक वहां खड़े रहे तब तक योगी आदित्यनाथ का दौरा पूरा नहीं हो गया। उनके जाने तक ये सारी चीज़ें पुलिसकर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े रहे, क्योंकि थोड़ी सी भी चीख होती तो बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ी क्योंकि एक तरह से भारी चूक थी, तो कोई बड़ा हादसा ना हो इसलिए बड़े आला अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे और इस चीज की जांच कर रहे हैं कि ये गाय अचानक आ कैसे गई, क्योंकि पुलिस लाइन में आजमगढ़ के अंदर आज उनका हेलीकॉप्टर उतरना था, उनका दौरा था आजमगढ़ में। खैर, योगी आदित्यनाथ के जाने तक सारी चीजों को संभाल के रखा गया कि जैसे तैसे सुरक्षा बनी रहे, और फिर आराम से योगी आदित्यनाथ जी उतरे, अपना दौरा पूरा किया और वापस चले गए। लेकिन बड़ी खबर थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि भाई सुरक्षा में चूक होना तो बड़ी लापरवाही हो सकती है। खैर, इस चीज़ में कोई नया अपडेट आएगा कि कैसे गायें घुस गई, या बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे कि गायें आए कैसी, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। और फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक आप हिंदवॉइस देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।